हाँ जी, किवें हो सारे, घेंट होवोंगे? ठीक है दोस्तों, अज की वीडियो असं लैके आए हैं पंजाबी बी का। ठीक है, सो पेपर है, ठीक है, सो वीडियो तुम्हें लास्ट तक जरूर देखनी है। ठीक है, नैक्सट पेपर से यह पेपर लैके आऊँगा। ठीक है, मैं ये चार पेपर होने हर तरह की जरा लैके आना ना, जिमें मैं उमें लैके आऊँगा। फस्ट च आप वीडियो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, सो थानू मैं सारा कुछ दस दूँ की आना वा। ठीक है, सो इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो होगी। सैकेंड पेपर से मैं लैके आऊँ वीडियो से मैं लैके आऊँगा यह पेपर। ठीक है, सो चार है ना, सो 26 पन्ने मिलने। ठीक है, अपन ये मैं थानू सारा कुछ दसदा। ठीक है, सो वीडियो में लाइक कर दियो, कमेंट कर दियो। सो इस वीडियो च आप करना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो सैकेंड वीडियो च आप करा आह पेपर होने चार। ठीक है, तो एक मॉरल टेस्ट पेपर होगा। ठीक है, सो यही इंपोर्टेंट है सारा कुछ, इस ही पेपर आ जाना, जेडे इंपोर्टेंट दसूंगा उस ही पेपर आ जाना, जिमें इंग्लिश का तो पंजाबी का आया सगा। जे नहीं यकीन तो पिछली वीडियो चैक कर लियो, तो चैनल सबसक्राइब नहीं तो कर लियो, ना ही 10,000 सबसक्राइबर हो गए। थैंक यू फॉर सबसक्राइबिंग। ठीक है, सो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। सो फस्ट आप देखना की है, फस्ट आप देखते हैं अपन पेपर कि आना है। सो फस्ट आप देखेंगे फस्ट पैटर्न। ठीक है, हाँ भैया जी, हम अब थोड़ी हिंदी बोलेंगे। अब हम देख लीजिए 10वीं पंजाबी भी लिखती अंक हमें 65। अब हम थोड़ी भोजपुरी भी बोलत आनी, ठीक है, सो समझ जाता आनी। ये है पूरे 10 नंबर का। ठीक है, 10 नंबर का मतलब आंतरिक है, मतलब जो आपकी मैडम सीसी में नंबर देंगी वो होता है। और 5 नंबर आपको मिलेंगे सुंदर लगाई के। ठीक है, सुंदर लगाई के मिल जाएंगे। फिर उसके बाद लेख पत्र संक्षेप रचना अनडिठ पैरा मुहावरे पंजाबी शब्द जोड़, इनके आपको 32 नंबर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए विश्राम चिन्ह व्याकरण की परिभाषा भाषा ते पंजाबी भाषा भाषा धुनी ते धुनिया लिपि ते गुरमुखी लिपि। ठीक है, सो इसमें आएगा आपको 18 नंबर का। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। उसके बाद शब्द भेद और अर्थ बोध, इनमें से आपको आएगा 10 नंबर का, मतलब कुल हो गए टोटल 65। ठीक है, 65। ठीक है, समझ ही गए हो थानी। उसके बाद हमें ये वाला सीन मिलता है, सो मैं आपको नहीं दिस रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। पहले प्रेषण पे लिखा है व्याकरण विच वस्तुनिष्ठ प्रेषण होंगे। ठीक है, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रेषण होंगे 10, आपको सबको पता होगा। ठीक है, सो उसके बाद देख लीजिए हमें लेख, लेख हमें 5 तरह के ऑप्शन दी जाएगी, जैसे जीवनियां महापुरखा, जीवनियां महापुरख में आ जाएंगे श्री गुरु नानक देव जी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, सो ऐसे महापुरख आ जाएंगे और जीवनी भी आ जाएंगी। और उसके बाद देशभगत, देशभगत जैसे भगत सिंह राजगुरु वैसे वैसे आएंगे। ठीक है, सो थर्ड में आपको मिलेंगे ऐतिहासिक और साहित्यिक व्यक्तियाँ दी। ठीक है, और मतलब ये 5 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो इसमें से देख लीजिए शुरू वाले में से आपको, मतलब जो एक ऑप्शन होगी उसमें गुरु नानक देव जी भी आ सकते हैं, भगत सिंह भी आ सकते हैं, और ऐतिहासिक कोई भी जीवनी आ सकती है। और दूसरे में आपको पेंडू और शहरू जीवन दिया समस्यावां, ठीक है, सो इना संबंधित आऊगा। ठीक है, सामाजिक आर्थिक। ठीक है, ते मैं तो थानू एक ही चीज़ कहूँगा कि मेले ते त्यौहार सभ्याचारक पक्षा वाला यही सब याद कर लियो, ये चौं वधिया आपां नू याद हो जूगा। इस 6-7 लेख आ, जिवें 15 अगस्त 26 जनवरी मेरे मेले ते त्यौहार अखी डिठा मेला दिवाली। ठीक है, सो इहो जे आपां नू रट्टे ला लाँगे सो आपां आप भी कर सकते हैं, है ना। सो ये वाले याद कर लियो मेरे हिसाब ना। उस तो बाद है विद्यार्थी जीवन के पक्ष यात्रावां नाल संबंधित। ठीक है, और उसके बाद है विज्ञान ते विज्ञानिक चेतना नाल संबंधित। उस तो बाद देख लो चिट्ठियाँ पत्र। ठीक है, सो आपां नू चिट्ठियाँ या पत्र आऊगा या फिर आऊगी अर्जी। ठीक है, अर्जी आपां दिंदे हां सरकारी या अर्ध सरकारी प्राइवेट अदारियां नाल संबंधित होंदी है। तो निजी पत्र ते चिट्ठियाँ होंदियां निजी मित्रां सहेलियां रिश्तेदारां ते मापिआं नू। ठीक है, सो नैक्सट चौथे ते आ जाऊगा आपां नू एक अनडिठ पैरा, जो जिहदा आपां नू एक नंबर दा सिलेख देना वा ते बाकी। ठीक है, अनडिठ पैरा आ जाऊगा थानू जिहड़ा पैरा पढ़ के आपां नू क्वेश्चन दे आंसर देने आ, ओह मुहावरियां दी वरतों। ठीक है, विश्राम चिन्ह व्याकरण विच देख लो की आना, परिभाषा ते मंतव अंग। ठीक है, सो यह तुसीं देख सकते हो, है ना। ते उस तो बाद प्रेषण पत्र दी रूपरेखा देखो किवें होगी। ठीक है, पहला तो देख लो थानू की लिखा होया, 5 अंक सुंदरली लिखाई लई कीते होया। ठीक है, 65 नंबर दा राखवें हन। ठीक है,
सुंदर लिखाई थानू दसा किवें मिलेगी, इस स्पष्ट सही अक्षर लिखने पैने तां मिलेगी, तो नाली सोहनी राइटिंग होगी, शुद्धता बनतर रूप पर, ठीक है। सो उस तो बाद देख लो प्रेषण पत्र के कुल 14 प्रेषण होणगे, ठीक है, कुल टोटल 14 होणगे। फर्स्ट होगा सुंदर लिखाई लई, दूसरा होगा सॉरी सारे प्रेषण हल करने लाजमी होणगे, प्रेषण दो च सानू की होगा डेगा वस्तुनिष्ठ प्रेषण की किस्म होगी, ठीक है। इस विच प्रेषण 7, 8, 9, 10, 11, 12 ते 13 वस्तुनिष्ठ किस्म के 10 पूछे जाएंगे, ठीक है। सो जिहड़ा अपने की कहिंदे होणगे सत्तवा, जिवें देख लो सत्तवा किहड़ा वा, एक जिहा पैरा, ठीक है, सत्तवा अठवा नौवा, इन्हां चों इह ऑब्जेक्टिव टाइप चक्कणगे, ठीक है। सो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप इन्हां चों ही आना है, प्रेषण पढ़ लियो, ठीक है, सत्तवा अठवा नौवा 11वां 12वां 13वां, ठीक है, इन्हां चों 10 ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे, ठीक है। नैक्सट हैगा जी प्रेषण दो, प्रेषण दो विच तुहानूं मैं कहा सीगा ना 400 शब्दां च आपां नूं लेख लिखना वा, जो कि 5 तुहानूं ऑप्शन दित्ती जाऊगी। उस तो बाद आपां नूं पत्र या अर्जी करनी है, ठीक है, जो यह 10 नंबर का होगा, देख लो 400 नंबर का लेख, ठीक है। उस तो बाद पत्र होगा तुम 6 नंबर का, 2 नंबर होणगे उपर लिखे दे, फिर 3 नंबर विचकारे, 1 नंबर नीचे का, ठीक है। सो उस तो बाद देख लो लगभग 150 शब्दों का एक पैरा दे, उसनू एक तिहाई शब्दों विच संखेप करने लई कहा जाएगा, इसका एक सिरलेख भी लिखना है, ठीक है। 150 शब्दों च होगा, ठीक है, इहनू 3 नाल भाग करो, ठीक है। सो 3 नाल भाग किया 15 5, ठीक है। सो 50 शब्दों तुसी इहदा सिर छोटा करना, 50 शब्दों ते इहदा सिरलेख देना वा। उस तो बाद 150 अंकों का तुहानूं की कहिंदे आ बाहरों आऊगा, पुस्तक के बाहरों पैरा आऊगा एक, जिवें आपां दिंदे नहीं हुंदे उत्ते प्रेषण पुछे जाणगे, ठीक है। 8 मुहावरियां दे के किसी 4 वाकां की वरतन लई कहा जाएगा, ठीक है, स्पष्ट हो जाण उहनां दे अर्थ, 4 8 दित्ते जाणगे, 4 तुसी करने आ, ठीक है। तो उस तो बाद देख ही सकते हो कि लिखा होया वा, प्रेषण 8 विच थानू टकसाली मंतव इन्हां चों एक एक नंबर का आऊगा, 2 क्वेश्चन, उस तो बाद ऐड चो एक आऊगा इन्हां तिन्ना चों, ठीक है। फिर उस तो बाद टिप्पी टुप्पी मुक्ता बारे, ठीक है, छोटे प्रेषण पूछे जाएंगे 2 नंबर का। नैक्सट हैगा जी परिभाषा देनी है, विशेषण क्रिया विशेषण योजक विषमिक, ठीक है, नाव पड़नाव, एक परिभाषा इन्हां चों आऊगी, 2 परिभाषा आनी है जी चों तुसी एक करनी आ, फिर ऐड थोड़े तो पूछा जाऊ 2 नंबर च, प्रणाव किस्म भी पूछी जानियाँ। उस तो बाद देख लो ना प्रणाव वचन बदल के मुड़ लिखण लई किया जाएगा, ये थानू मैं दसूंगा ना थानू समझ आजूगी, कोई एक वाक वक् वक् कालां बदल के लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी देख ली ना थोनू वधिया नंबर आणगे, तो बहु अर्थक शब्द दे के पूछा जाऊगा, है ना। ऐड़ा देख लो एक शब्द दे के उस दे समान अर्थक शब्द लई लिखण लई किया जाएगा, बहुते शब्दों की थां एक थां विरोधी शब्द पूछा जाएगा, ठीक है। सो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। हाँ जी, सो फस्ट आप देख लेंगे 10 प्रेषण कितों आने, ठीक है। सो तुसी एक तो थानू आज जग्यासु पैड़ा मिली होगी, है ना। सो इनू सोल्व कर लियो, 150 जिहड़े दे आ ना MCQs, ठीक है, 150 आ पूरे, इनू तुसी चंगी तरह रट लियो, इचो 5 या 6 7 आ सकते आ, या दसो दे दसो इच ही आ सकते आ, ठीक है। सो तुसी इह चंगी तरह याद कर लियो, जे थानू इहदे आंसर चाहिए तुसी यूट्यूब ते ही लिख लियो जिग्यासु पैड़ा बाय दिलजोत परमार, ठीक है, क्योंकि मैं ये सारे अपलोड किए, नहीं तो थानू एक एक पार्ट मिलेगा, बट मैं सारे अपलोड किए हुए, ठीक है, आंसर की पूरी आ। सो ये तुसी पढ़ लियो, ठीक है, जिवें नाव दियां किन्नियां किस्मां होंदियां 5, इहो जे थानू पुछे जा सकदे आ, ठीक है। सो इत्थे तुसी देख सकदे हो जिवें इदा भी पुछे जाते कई बार, गुप्त शब्द का विरोधी शब्द लिखो, ठीक है, आस्तिक शब्द का इदा योजक लिखो या योजक भरो। हुण मैं थानू एक पेपर दिखाना, जिवें तुसीं देख सकते हो भाषा का शुद्ध ते म्यारी रूप समझण लई किस चीज़ की लोड़ हुंदी है, ठीक है, व्याकरण की। यह अपना सितंबर का पेपर आ, चैक कर लियो, ठीक है, पंजाबी भाषा नूं कहड़ा पंजाब विच कहड़ा दर्जा प्राप्त है पंजाब दे विच, ठीक है, राज भाषा का टकसाली बोली का ते कहड़ी भाषा मन्निया जांदा, ठीक है, गुरमुखी नूं, ठीक है। व्याकरण के किस भाग मुख अधीन, ठीक है, व्याकरण के अधीन किस भाषा का धुनिया का अध्ययन किया जाता है, धुनी बोध, ठीक है, या वाक बोध इहदा जे वाकां का अध्ययन, ठीक है, वाक बोध अर्थां का अध्ययन अर्थ बोध, ठीक है, चार बोध हुंदे आ व्याकरण के मुख अंग भी होंगे, ठीक है। यह कुड़ियाँ गीत गाउंदियां हैं, इस विच केड़ा नाव है, ठीक है, नाव हुंदा किसे ना दा, ठीक है, जिवें कुड़ियां है च। उस तो बाद है तरन तारण अमृतसर गुरदासपुर विच माझी उपबोली बोली जाती है, ठीक है, ये सही आ।
उस तो बाद है जी हनेरा शब्द का स्त्रीलिंग की है, ठीक है हनेरी सही है भी, ठीक है इस एक, ठीक है ये तुसी देख लेना, ठीक है इदा दे पूछे जाएंगे ते बाकी होर भी दिखाना मैं थानू, जिवें सारे पेपर मैं दिखाना, ठीक है किहो जे आ सकते थानू। उस तो बाद देख सकते हो जिवें स्वर तो की भाव है, ठीक है ए 2 नंबर दे आ, बट थोड़ा हो आ बट एक बार देख लियो है ना, जिवें स्वर तो की भाव है, दू तत्थ दू कखर, ठीक है केड़े आ हा हा रा वा वा नहीं सीगा ना, लगातार दे तीन जिवें लिखा होया, 10 लगाउनियां सही, 38 गिनती है व्यंजना दी, ते देख लेना। उस तो बाद अपना एक प्री बोर्ड का पेपर चेक कर लेने, थानू दिखा देने हैं। सो देख सकते हो जिवें पंजाब नू पंजाब विच केड़ा दर्जा प्राप्त है, बहुत इंपोर्टेंट है, ठीक है राज भाषा पंजाब उड़े तो एड़े तक किन्नी गुरमुखी, ये थानू जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे सकते हैं, ठीक है। सो जिवें मैं थानू दस्या उवें कर लियो, ठीक है। सो बाकी हुण मैं थानू बाकी दसदा, जिवें यह PDF है इस देख लो सारा कुछ लिखा होया वा, ठीक है 10 विशिष्ट आनियां ने थानू, सो ये थानू सारा कुछ मिल जूगा किन्ने मुख अंग आ कित्थे की हुंदा, ठीक है सो ये भी याद कर लियो है ना। सो इत्थे ही अपने ख़त्म हुंदा वा, हुण मैं थानू दसदा पैराग्राफ तुसी किहड़े किहड़े करने आ, जिन्हें ठीक है वह करने हैं कि कहें गुरु नानक देव जी वगैरह वाले, वो तुसी आ शहीद भगत सिंह ओचो आया हुआ वा, ये मेले वाले चो अखी डिठा मेला आया, ये बहुत सौखा है ना, मोबाइल फोन का वाधदा रुझान, ठीक है विद्यार्थी ते अनुशासन लाइब्रेरी, ठीक है। सो होर मैं दसदा रुको, जिमें ये हैगा जी अपना, जिमें देख लो इतने लिखा अखी डिठा मेला, ठीक है विद्यार्थी ते अनुशासन प्रदूषण, ठीक है ये तुसी देख सकते हो, ये सब तो पहला पेपर अपना है ना अप्रैल का, ठीक है। तो होर मैं दिखा दिना थानू जिमें हैगा श्री गुरु नानक देव जी साढ़े मेले ते त्यौहार टैलीविजन के लाभ ते हानियां वातावरण प्रदूषण सड़क दुर्घटनावां, ठीक है। सो ये है ना, सो मैं थानू कहना चाहुंदा जिन्हें भी अपने की कहें वो चाहते हैं ना मेले मूले वाले वो सारे कर लो, वो च आप बना लेंगे आप ही, ठीक है खुद ही 15 अगस्त कर लो, 26 जनवरी, ठीक है दिवाली साढ़े मेले तो त्यौहार अखी डिठा मेला, सो यू रट लियो, ठीक है बाकी गुरु नानक देव जी तो गुरु गोबिंद सिंह जी कर लियो जिन्हों ज़्यादा हो रही है, बाकी थोड़ी मर्जी है। जिमें मैं थानू दसना चाहता जे तुसी की कहें जे किसी विषय उत्ते लेख लिखना तो तुसी किवें लिखना, सो पहला हैगा आप पढ़ के, ठीक है जो थानू तुसी पढ़ मतलब जेडे बारे तुसी लेख लिखना एक बार वो पढ़ लियो, ठीक है फिर उस तो माड़ा मोटा अध्यापक बारे पूछ लियो जे घर घुर पूछ लियो, बाकी होर साधना तो जिवें पता लगता निजी अनुभव तो, ठीक है निजी अनुभव तो भी लिख सकते हो जिवें आप दिवाली दुवली है ना निजी करते हैं, सो एवें कर लेना। उस तो बाद गुरु नानक देव जी कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है आने के चांसिस है, रविंद्र नाथ टैगोर छड़ो पर, सो डॉक्टर भीम राव अंबेडकर भी छड़ो, करतार सिंह सराभा जी करना कर लियो, नावल से भी नहीं आना, तो दिवाली कर लो दिवाली मेले वाले चाहूगी, अखी डिठा मेला कर लो, ठीक है 26 जनवरी कर लो ये भी मेल वो ची आ गई, ठीक है। सो अखबारों का महत्व जे तुसी दूसरा कर लियो तो कर रहे हो, ठीक है सो बेरोज़गारी की समस्या कर लियो जिन्हें करनी है, भ्रूण हत्या छड़ो, नशा नास करता है भी इंपोर्टेंट नहीं है नशा नास करता है, बाकी तुसी जेड़े अपने हिसाब न कर रहे हो तुसी अपने हिसाब न करो, बाकी मैं थानू दस रहा वा कि मेले वाली कर लो, ठीक है वो सौखे भी होंगे अपने वालों भी बने जाएंगे, मनुख ते विज्ञान कंप्यूटर, ठीक है प्रदूषण की समस्या इंपोर्टेंट आता हों जे दूसरे च करोगे तुसी मतलब दूसरे सब्जेक्ट च है ना। सो इतें ही अपना यह सारा कंप्लीट हों, हम आप देखते हैं लैटरस अपन जिमें हैगा वा विदेश रेंदे सॉरी मैं थानू वह भी दसूँगा अगे होर आ जिमें मे साडे मेले तो त्यौहार वो वाले मैं अगे दसदा, विदेश रेंदे रिश्तेदारों पिंड आईया तब्दीलियां बारे पत्र ज अपने मित्र नूं किसी प्रीख्या का मोहरी दर्जा प्राप्त करने वधाई, ठीक है दो इंपोर्टेंट पेपर है वा इन्हों याद कर लियो, तो होर दस दिना मैं जिमें अपने मित्र नूं नीट की मोहरी दर्जा प्राप्त करने ये इंपोर्टेंट है, ठीक है अपने शहर के म्यूनसिपल पार्टी या पिंड के सरपंच गलियां नालियां साफ कराने संबंधी, ठीक है ये भी बहुत इंपोर्टेंट है।
ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰੁਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ठीक है सो होर देख लें उस तक कुछ नहीं मिले ही नहीं है ना सो येगा मोहरी दर्जा प्राप्त करने के ये बहुत इंपॉर्टेंट है दो जड़ियाँ थानू दसिया मैं आ देखो विदेश में रेंदे पिंड बारे तब्दीली आए लिखना या स्कूल साइकिल स्कूटर नू चोरी होने संबंधी थाना मुखी नू बयान पत्र लिखना सो एक बार इस बुक जड़ियाँ है वो देख लें जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिमें आहा इंपोर्टेंट है ये तुम बस एक बार पढ़ना होंगे वा ये सारे यही लगना जब तुम मित्र मुत्र लिख रहे हो ना ये प्रीख्या भवन सरकारी सैकेंडरी स्कूल सो बस यही लगना तो यह इंपोर्टेंट है ये इंपोर्टेंट है तो यह इंपोर्टेंट है ठीक है तो छेवां इंपोर्टेंट है सत्तवां इंपोर्टेंट है बाकी ये जो याद तुसी करने वाला कुछ है नहीं गा अपने वालों बन जाना बस तुसी मेन पॉइंट देखने हैं दसवां इंपोर्टेंट है ना आह ग्यारहवां इंपोर्टेंट है ते आ चौदहवां इंपोर्टेंट है नीट वाला बस ते ये च देख लो पंजाब रोडवेज ते दूरदर्शन वाला ठीक है अपने वालों भी बन सकते हैं हुण मैं तुहानू दिखा दिंदा मोबाइल ते जिमें अखी डेखा अखी डेठा मेला देख लो दे पॉइंट बना के मिलूंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे विद्यार्थी अनुशासन ये भी इंपोर्टेंट है प्रदूषण की समस्या वा बाकी जो आप ओल्ड पेपर्स करा उस थानू पता लग जू कि इंपोर्टेंट कि नहीं मनुख तो विज्ञान शहीद भगत सिंह आ रहा इस मोबाइल का वाद रुझान साढ़े मेले उत्ते त्यौहार है बहुत इंपोर्टेंट है जो मेले वाले कर रहे हैं किन्ने मेले लिखे हुए आ ठीक है सो दिवाली ये भी बहुत इंपोर्टेंट है भ्रूण हत्या छोड़ो ये धार्मिक श्री गुरु गोबिंद सिंह जी बहुत इंपोर्टेंट है जेडे गुरु नानक देव जी श्री गुरु गोबिंद सिंह जी कर रहे हैं ते हाँ देख लो दिलचस्पी लैन लई ठीक है सो ये भी इंपोर्टेंट है उस तो बाद हैगा विदेश रहिंदे तब्दीलियां बारे भी बहुत इंपोर्टेंट है वक् वस्तु मिलावट वाली भी बहुत इंपोर्टेंट है नगर पालिया गलियां की सफाई ठीक है स्कूटरी चोरी होने संबंधी डिप्टी कमिश्नर नौकरी लैन लगा दसते हुए तो सुचारू ढंग ने चलाने लाइब्रेरी मित्र ते सालाना प्रोग्राम बारे दसने ये भी बहुत इंपोर्टेंट है दसवीं तो पढ़ाई तो उपरंत भी बहुत इंपोर्टेंट है सारिया इंपोर्टेंट है ना उस तो बाद संखेप रचना किवें करी दी होंगी आ जिमें विद्यार्थियों ने बहुते शब्दों की थान एक वरतों करनी है ठीक है संखेप रचना अजिहोजी वरतों रचना फैलैन घट घटाया जा सकता है ठीक है दूजा गुर ये ढुकमा मुहावरा आकाश सुझ जाए मुहावर की वरतों करनी चाहिए ठीक है मूल सजावट वरतान छड़ देना चाहिए है ठीक है मूल रचना व्यक्तियों के आखे हुए शब्दों ज्यों त्यों दिते हुए अपने शब्दों में लिखा जा सकता है दिती गई रचना वाए वाधू दोहारिया छड़ दिता चाहिए है ठीक है जिमें इतने देखो चंगी पुस्तक ये भी बहुत इंपोर्टेंट है सभ्या पंजाबी सभ्याचार ठीक है ये भी बहुत बार आ जाता तो मैं होर दसदा थानू सिर लेख कित जीवन की लोड़ जिमें है ना तो इदा ही आ जाते हैं कित लिवन जीवन की लोड़ ठीक है सो गलती का एहसास यहोजियाँ आ जाए हुई वा बाकी अपने वालों जो तुम पैरा पढ़ोगे थानू सारा कुछ पता लग जूगा ठीक है सो उस तो बाद देख सकते हो उस तो बाद थानू एक पैरा दिता जाऊगा जिमें आ दिखाया होया वा एडा बड़ा पैरा इन्ना भी नहीं अखी डिठा पैरा जिन्ना इन्ना का ये चो थानू तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे है ना एक एक नंबर के थानू ये आंसर देने ठीक है सो होर मैं थानू दसदा उस तो बाद थानू की कहिंदे आ मुहावरे दिते जाणगे ते उहनां नूं तुसीं इदां स्पष्ट करना कि उहनां दा कहिंदे आ
समझाना ना पवे, ठीक है, जिवें उच्चा नीवा बोलना, ठीक है। ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਯਾਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੱਤਵੇਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, 6 ਲਾਣ ਨੂੰ ਆਊਗਾ, 6 ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਛੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ 1, 2, ਠੀਕ ਹੈ, 3, 4, 5, 6, 6 ਲਾਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਰਿਓ ਜਿਹ 'ਚ 6 ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ ਕਿ 6 ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਮਤਲਬ 6 ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਤ ਬੋਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਵਿਆਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਨਾਕਸਿਕ ਵਿਅੰਜਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ ਦੁਆਰਾ, ਮਤਲਬ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚੱਲੋ। ਯੋਜਕ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਹਿਤ ਲਿਖਿਓ, ਨਾਵ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੋ ਲਿਖਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਯਾਰ ਖਤਮ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ ਵਾਕ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਚਨ ਬਦਲੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੌੜਦੇ ਹਨ ਵਚਨ, ਲਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਚਿੱਟੀ ਘੋੜੀ ਦੌੜਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕੋ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਝੂਰੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਤਕਾਲ 'ਚ ਕਰਨਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਝੂਰੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਭੂਤਕਾਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਝੂਰੀ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਰਥ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਫੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਲ ਵਾਹੁਣਾ, ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਅਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵਿਸਮਿਕ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੀਤ ਗਾਇਆ, ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੀਨਿੰਗ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਮਕਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਨਰਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਨਰਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਵਰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਆ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ, ਹੈ ਨਾ, ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਰੋਧ ਮਾਤਕ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਕਸੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੇਜ ਦੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਮਿਕ ਹੈ,
क्रिया विशेषण योजक, ठीक है, योजक एंड ते आए योजक जड़े जोड़ते हैं, ठीक है। सो इन्ना की आ ते वीडियो वधिया लगी हुई तो लाइक कर दियो, ठीक है, चैनल नू सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो। जल्दी तो जल्दी प्रीवियस ईयर पेपर लेके आवांगे जी, तो थानू बहुत सारा पेपर आना वा।